द पिन डाउन में आपका स्वागत है। चुनावी समर में राजनीतिक पुरोधाओं के भविष्य और जोड़ तोड़ पर सबकी नजर है। किसकी क्या चाल होगी, किसका क्या हश्र होगा, हर कोई जानने को उत्सुक है। आइए आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सितारों के चाल चक्र की बात करते हैं। प्राप्त कुंडली के अनुसार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी का जन्म कन्या लग्न सिंह राशि एवं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ था। इनकी जन्म कुंडली में सुख भाव के स्वामी बृहस्पति सुख भाव पर स्थित होकर कर्म भाव को देख रहे हैं, इसलिए इनको राजनीति अपने पिता बाला साहब ठाकरे जी से विरासत में प्राप्त हुई। दिसंबर 1994 में इनकी जन्म कुंडली में 18 वर्ष के लिए राहु की महादशा लगी, जो इनके जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं रही। 2002 में राहु में शनि की अंतरदशा में इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया एवं राहु में बुध की अंतरदशा में 2003 में शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बने। राहु की महादशा में इनका राजनीतिक जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा एवं इस महादशा का अंत होने से एक माह पूर्व 17 नवंबर 2012 को इनका अपने पिता से वियोग हो गया। 17 दिसंबर 2012 में इनकी राहु की महादशा समाप्त हुई एवं बृहस्पति की महादशा प्रारंभ हुई। 2013 में बृहस्पति की महादशा में इन्होंने शिवसेना अध्यक्ष के रूप में अपनी पार्टी की कमान संभाली। बृहस्पति में बुध की अंतरदशा में कर्मेश एवं लग्नेश बुध ने इनको सत्ता प्रदान की। नवंबर 2019 में इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, परंतु जून 2022 में बृहस्पति में शुक्र की अंतरदशा में इनको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। उसके पश्चात गुरु में शुक्र की ही अंतरदशा में इनको अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन समय से गुजरना पड़ा। उस समय इनकी पार्टी का नाम एवं सिंबल दोनों इनसे छिन गया। वर्तमान समय में इनकी कुंडली में बृहस्पति में चंद्र की अंतरदशा चल रही है। चंद्रमा इनके आय भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में राहु के साथ ग्रहण योग बनाकर सबसे कमजोर अवस्था में बैठे हैं। गुरु में चंद्रमा की अंतरदशा 17 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होकर 17 अगस्त 2025 तक रहेगी। यह समय इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, विशेषकर हृदय रोग की आशंका बन रही है। वर्तमान लोकसभा चुनाव में भी इसी अंतरदशा के बीच में होगा। इस खराब दशा में इनको लोकसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। विधानसभा चुनाव भी इसी अंतरदशा में पड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में भी ग्रह दशाओं के अनुसार बहुत अच्छे परिणाम की उम्मीद इनको नहीं करनी चाहिए। आने वाले समय में जुलाई 2026 से दिसंबर 2028 के बीच इनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन समय रहने वाला है। उसमें भी जुलाई 2027 के बाद जीवन में तरह तरह की कठिनाइयां आएंगी। इस समय इनके ऊपर कई तरह के अभियोग लगेंगे एवं सरकार द्वारा कई प्रकार की जांचों का सामना भी करना पड़ेगा। द्वादश भाव में स्थित राहु जेल यात्रा भी करवाते हैं, तो इस समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बृहस्पति की महादशा समाप्त होने के बाद दिसंबर 2028 से शनि की महादशा प्रारंभ होगी। शनि इनकी जन्म कुंडली में पंचम भाव, जो जनता के सहयोग का भाव है, उस भाव के स्वामी होकर सुख भाव में बैठे हैं और कर्म भाव एवं लग्न को देख रहे हैं। शनि नवांश कुंडली में भी अपनी उच्च राशि के भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं।
2029 से इनको राजनीति में खोई हुई पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी एवं 2029 के लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्राप्त जन्म कुंडली के अनुसार मैंने ज्योतिषीय विश्लेषण किया है। सर्वज्ञ तो प्रभु ही हैं।